तुनिशा शीज़ान के रिश्ते पर मेड का खुलासा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। शीज़ान को थी ड्रग्स की लत। तुनिशा शर्मा के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। सबके मन में बस यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार तुनिशा तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं अब तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड शीज़ान खान पुलिस कस्टडी में हैं। तुनिशा की मां ने शीज़ान पर कई आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच पुलिस ने तुनिशा की मेड का बयान दर्ज किया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुनिशा की मेड रेशमा ने पुलिस को बताया कि तुनिशा का जिस दिन निधन हुआ उसी रात तो चंडीगढ़ जाने वाली थी। तुनिशा ने इस ट्रिप के लिए छुट्टी भी ले ली थी। मेड ने और भी शॉकिंग खुलासे करते हुए बताया कि तुनिशा के निधन से 4-5 दिन पहले तक शीज़ान खान तुनिशा के साथ उनके घर में ही रह रहा था। शीज़ान ने तुनिशा की मां से ये भी कहा था कि वो उनकी बेटी से शादी करेगा। हालांकि बाद में दोनों ही शादी को लेकर श्योर नहीं थे। जब ब्रेकअप हुआ तो तुनिशा बहुत उदास हो गई थी। कई बार वो पूरे दिन भर डिप्रेस रहती थी। वहीं तुनिशा की मां ने बेटी के अंतिम संस्कार के बाद शीज़ान खान पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शीज़ान ड्रग्स लेता था और बेटी को उर्दू सिखा रहा था। वहीं तुनिशा के मामा ने ये दावा किया था कि शीज़ान के संपर्क में आने के बाद तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी। वेल, अब देखते हैं कि शीज़ान के कोर्ट में पेशी होने के बाद और क्या नए खुलासे होते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.